क्या आप लोग भी इंडियन बाइक सुपर 3D गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप लोग भी पागलों की तरह प्ले स्टोर पर इस गेम को ढूंढ रहे हैं, पर वो गेम है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है? हाँ। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वो गेम हमें क्यों नहीं मिल रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो वेट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस रीजन से ये गेम आप लोगों को नहीं मिल रहा है एंड कैसे ये गेम आप लोगों को मिल सकता है। ए भाई बताना बताना बता भाई 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 मेरा भाई तो बताना भाई प्लीज प्लीज बताना मेरा बताना। हां ठीक है बताऊंगा, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल वाले आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, वरना नहीं बताऊंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यहाँ पर इंडियन बाइक सुपर 3D गेम के अंदर चैलेंज मोड के अंदर नए मिशन ऐड किए गए हैं, जो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर नहीं है। एंड यहाँ पर वो दो मिशन है, घोस्ट हाउस एंड मून मिशन। एंड आप में से काफी लोगों ने इसका वीडियो मतलब यूट्यूब पर देखा ही होगा, तो आज मैं आप लोगों को खेल के दिखाने वाला हूँ अपना घोस्ट वाला मिशन एंड देखते हैं कि इस मिशन के अंदर हमें घोस्ट किस तरह से डराता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली घोस्ट मिशन स्टार्ट हो चुका है एंड मैं जंगल के अंदर उस घोस्ट हाउस के सामने आ गया हूँ। एंड यहाँ पर मैं पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगा लेता हूँ क्योंकि घोस्ट सामने से ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी हेल्थ लगा लिया है एंड अभी UI ऑन कर देते हैं क्योंकि मुझे कोई भी बटन दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने UI ऑन कर लिया है एंड यार मैं गेम के अंदर पहुंचा नहीं कि ये पहले से ही मुझे पीटने लगा। मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ से पहले हमें भागना है एंड देखते हैं कि क्या ये हमारे पीछे पीछे आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ एंड ये हाँ ये मेरे पीछे आ रहा है। एंड अगर आप लोग ध्यान से गौर करोगे तो ये मुझसे तेज नहीं दौड़ पा रहा है। मतलब यार इसके पैर ही नहीं है तो तेज वैसे कैसे दौड़ेगा, बट ये उड़ के चल रहा है तो मुझसे तेज दौड़ना चाहिए था ना, पर फिर भी मुझसे धीरे ही भाग रहा है ये। तो मैं अभी इसके घर के सामने जाने वाला हूँ एंड देखते हैं कि क्या हम लोग इस घर के अंदर जा सकते हैं एंड फिर ये हमारे पीछे आएगा क्या। ओके, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड यार इसको देखो, ये तो दीवार के आर पार हो जा रहा है। मतलब इसे बोलते हैं असली भूत। अब तो तू गया बेटा, पहले मुझे इसको मारना है एंड देखते हैं कि क्या ये मेरे फायर करने से मर सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर AK-47 से फायर कर रहा हूँ एंड एक सेकेंड कहाँ गया यार ये। मतलब यार मुझे लगा कि आसमान में चला गया बट ये कहीं पर तो गायब हो गया। मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ एंड वेट करते हैं क्या वो दोबारा आएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि वो घोस्ट दोबारा आएगा एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बेशरम तो दोबारा सच में आ रहा है यार। एंड इसको मैं लॉन्चर से ही खत्म कर दूंगा। ओके, तो फिर से वो घोस्ट गायब हो चुका है एंड अभी मैं घोस्ट के साथ में एक मस्ती करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर नाइट मोड का मतलब हटाना है यहाँ पर नाइट मोड को और यहाँ पर डे करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर डे का चीट कोड डाला और डे हो गया है। एंड अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार घोस्ट को बाहर तो आने दो फिर देखो कैसे मस्ती करते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर इस बार घोस्ट का वेलकम स्टिकी बॉम्ब से किया जाएगा एंड देखो सामने वो आ रहा है एंड इस बार इसके ऊपर हम लोग स्टिकी बॉम्ब ढेर सारे लगाएंगे एंड फिर इसको ब्लास्ट करेंगे और इस बार इसकी चटनी बनने वाली है दोबारा से। इस बार थोड़ा मतलब अलग तरीके से ये मरने वाला है बट अगली बार मैंने लॉन्चर से मारा था। ओके, तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं एंड अब मैं इसे ब्लास्ट करने वाला हूँ। एंड ये देखो यार ये तो सच में गायब हो गया पूरी तरह से और कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब यार सच में ये स्टिकी बॉम्ब से भी मर जाता है। तो यार घोस्ट के साथ में तो बहुत ही मस्ती हो गई, पर अब अपन लोग रिसर्च करने वाले हैं ट्रेन के ऊपर। पहले हमारे ट्रेन के सामने स्टिकी बॉम्ब लगा के और लॉन्चर से फायर करने पर ट्रेन ब्लास्ट हो जाती थी एंड देखते हैं कि क्या ये ग्लिच इस गेम के अंदर भी काम करता है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ ट्रेन के सामने एंड हाथ में स्टिकी बॉम्ब लेके ट्रेन के सामने काफी सारे स्टिकी बॉम्ब लगाने लगता हूँ। Hours later. तो फाइनली मैंने यहाँ पे काफी सारे स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं एंड अब बारी है इसे लॉन्चर से फायर करने की। बट एक मिनट यार इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? मतलब यार स्टिकी बॉम्ब के ऊपर लॉन्चर काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, तो मैं एक दो बार और ट्राई करता हूँ एंड यार कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इस गेम के स्टिकी बॉम्ब के अंदर वो पावर नहीं है जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के स्टिकी बॉम्ब के अंदर पावर हुआ करती है। सिस्टम पार देंगे। तो अब मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या इस स्टिकी बॉम्ब से मुझे थोड़ा सा भी डैमेज मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं एंड यार ये देखो मुझे कोई डैमेज ही नहीं मिला। तो यहाँ पर ये दीदी जी जा रही हैं तो मैं इनके ऊपर ये स्टिकी बॉम्ब ट्राई करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या इनको कुछ होता है। एंड दीदी आप डरना मत, ये सारे स्टिकी बॉम्ब डुप्लीकेट हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्या बात हुई यार मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं इस बात को लेके काफी ज्यादा सैड हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट अब हो गया तो फिर कर भी क्या सकते हैं, छोड़ो यार।
तो अब सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आप लोग प्ले स्टोर से इंडियन बाइक सुपर 3D गेम को डाउनलोड क्यों नहीं कर सकते। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये गेम फुल्ली इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का कॉपी गेम है। एंड दूसरा रीजन ये है कि ये गेम शायद से प्ले स्टोर पर अभी रिलीज नहीं किया गया है, इसीलिए शायद आप लोगों को ये गेम सर्च में मिल ही नहीं रहा है। एंड इस गेम को डाउनलोड करने के लिए बस एक ही लिंक दिया गया था, जहां से सारे यूट्यूबर्स ने और काफी सारे लोगों ने वहीं से डाउनलोड किया है। तो अगर आप लोग इस गेम को एंजॉय करना चाहते हो तो थोड़े दिनों तक वेट करो, क्योंकि सेम अपडेट हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आने वाला है। एंड मून का मिशन और घोस्ट हाउस एंड स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर भी आने वाला है। तो आप लोग थोड़ा वेट करो, तब तक आप लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को एंजॉय करो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।